is very good. The swing works, the Oracle again. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम टू एआरएन क्रिक टॉक्स। मैं अब्दुर्रहमान नवीद नई वीडियो लेकर आया हूँ नए मैच के साथ। यूनाइटेड प्रीमियर लीग का थर्ड लीग मैच बिटवीन एएस यूनिक एंड हैदराबादी वॉरियर्स प्लेइंग एट मिर्दिफ क्रिकेट प्लेग्राउंड। न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज एएस यूनिक वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू फील्ड। हैदराबाद वॉरियर की तरफ से आज चेंजेस है ओपनिंग पेयर में। मोहम्मद इरफान और उमर दोनों ओपन करेंगे। एस यूनिक की तरफ से अजहर पहला ओवर लेकर आएंगे। फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच मोहम्मद इरफान फेस करेंगे। लेफ्ट आर्म उठा के खेल दिया हवा में, कैच हो सकता है जी नहीं। तीसरा रन भागते हुए क्लोज रन, रनआउट का चांस हो सकता है जी नहीं। अच्छी क्रिकेट पहले ही बॉल से देखने को मिल रही है। दूसरी गेंद अजहर लेकर आएंगे। गाइस ये ग्राउंड एयरपोर्ट टर्मिनल वन के पास है। पैट को लगी गेंद, कोई रन नहीं। सो यहां पर एयरप्लेन का साउंड का डिस्टरबेंस होगा मैच ख़त्म हुए तक, सो थोड़ा बेर कर लीजिए आप लोग। तीसरा बॉल अजहर लेकर आएंगे, उमर फेस करेंगे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी ड्राइव वहां पर फील्डर के मिसफील्ड, बहुत ही अच्छा शॉट, चार रन, बहुत अच्छा शॉट, अच्छा स्टार्ट यहां पर उमर का। अगली गेंद अजहर लेकर आएंगे, उठा के मारने की कोशिश, एम्पायर का इशारा वाइड, वहां कीपर की अपील। अगली गेंद उमर फेस करेंगे, उठा के खेल दिया मिड विकेट की जानिब, वन बाउंस टू बाउंस, बॉल बाउंड्री के पार, चार रन। अगली गेंद अजहर लेकर आएंगे, फिर खेला लॉन्ग ऑन पर, आउटफील्ड थोड़ी तेज है वो, उस बाउंड्री की बॉल बाउंड्री के पार जाते हुए, चार रन, बहुत ही अच्छा स्टार्ट यहां पर किसी हैदराबाद वॉरियर्स एंड उमर का। अभी भी इस ओवर में एक गेंद बाकी क्योंकि बॉलर ने एक्स्ट्रा की थी। लास्ट बॉल अजहर लेकर आएंगे, उमर फेस करेंगे। उठा के खेलने की कोशिश, मिस हिट होते हुए, अच्छा ओवर हैदराबाद वॉरियर्स के लिए, 16 रन आते हुए पहले ओवर में। अगला ओवर मुत्तू लेकर आएंगे, मोहम्मद इरफान फेस करेंगे। मुत्तू स्ट्राइक बॉलर है एस यूनिक के, नीले हाथों से खेला सामने, एक रन चुरा लिया। अगली गेंद मुत्तू लेकर आते हैं, उमर फेस करेंगे। कैच हो सकता है, बहुत ही अच्छा कैच वहां पर फील्डर का, और इसी तरह हैदराबाद वॉरियर्स की पहली विकेट उमर की शक्ल में। उमर थोड़ा जल्दी खेल लिए शॉट को, लो थी, ड्राइव करने की कोशिश में हवा में खेल बैठे और अपनी विकेट खो बैठे। बहुत अच्छा कैच नासिर का, नए बैट्समैन जानी मुत्तू को फेस करेंगे। एनी वन बाउंस फंबल, कोई रन नहीं। अगली गेंद जानी फेस करेंगे,
डिफेंस करने की कोशिश पेट होते हुए। ऑन द राइज खेला, वन बाउंस टू बाउंस, बॉल खंडाला में जाते हुए, दो रन। अगली गेंद मुत्तु लेकर आते हुए, जानी फेस करेंगे, लेग स्टंप था उठा के खेल दिया फाइन लेग पर, वन बाउंस चार रन। दौर के अख्तिताम पर स्कोर पहुंचा 23 एक विकेट के नुकसान से। अगले बॉलर लेफ्ट आर्म ओवर राउंड द विकेट से, नो बॉल कैंसिल होते हुए, और कैप्टन की अच्छी अपील वहां पर, कॉट बिहाइंड की, बट बॉल पैट्स को लगते हुए, अच्छा स्टार्ट बॉलर का। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से आते हुए, हाई आर्म बॉलर, खेल दिया, वन बाउंस टू बाउंस चार रन। सात तीसरा ओवर लेकर आए हैं, अच्छी गेंद करें, पहला बॉल बैट को लगी, दूसरा बॉल शॉर्ट, सात को चाहिए कि लाइन और लेंथ ऑफ स्टंप पर रखें, क्योंकि उनकी हाइट का एडवांटेज है, उन्हें हाइट का एडवांटेज मिल सकता है। ऑफ कटर, जैसे मैंने कहा था, बहुत ही अच्छा बॉल, डॉट। सात अपने ओवर का चौथा गेंद, फिर ऑफ कटर, मोहम्मद इरफान बीट होते हुए। लगातार तीसरी गेंद, मोहम्मद इरफान बीट होते हुए, अच्छा ओवर एस यूनिक की जानिब से, पांच रन आते हुए पांच बॉल में। आखिरी बॉल ओवर का उठा के मारा, जिस शॉट का वेट कर रहे थे, वन बाउंस चार रन। ओवर के अख्तिताम, स्कोर बढ़ता हुआ 31, लॉस ऑफ वन विकेट। अगला ओवर मुत्तू लेकर आएंगे, ओवर प्ले का आखिरी ओवर देखना है, जानी कैसे उसे यूटिलाइज करते हैं, जानी इन फॉर्म बैट्समैन। मुत्तू अगली गेंद, मुत्तू लेकर आते हुए पहली गेंद, उठा के मारा मिड विकेट पर, शॉट पर सिर्फ छह ही मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छा शॉट, अच्छा वेलकम किया, छह रन। दूसरी गेंद, डिफेंड किया, अच्छा कमबैक वहां पर मुत्तू का। तीसरी गेंद मुत्तू लेकर आते हुए, मिड विकेट पर खेला, वहां पर फील्डर मौजूद, देखना है कैसी फील्डिंग करते हैं, बहुत अच्छी फील्डिंग, दो रन रोकते हुए, और हैदराबाद वॉरियर्स के को दो रन मिलते हुए। बहुत अच्छा शॉट खेल दिया, शॉट पर छह मिल सकते हैं, और एम्पायर का इशारा छह, बहुत अच्छा शॉट जानी का, लूज बॉल को पूरा फायदा उठाते हुए, छह रन। राउंड द विकेट से मुत्तू अगला बॉल लेकर आते हुए, जानी को फिर शॉट मारने की कोशिश, में से फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं, जानी रेडी, अच्छी ड्राइव खेल दिया, बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छी कवर ड्राइव, ढीले हाथों से खेला, चार रन। बॉल भागते हुए बाउंड्री के पार, चार ओवर के अख्ताम पर स्कोर पहुंचा है 49 एक विकेट के नुकसान से।
अगला ओवर साथ लेकर आएंगे राम द विकेट से। फिर मोहम्मद इरफान को उठा के मारा, बहुत ही प्यारा शॉट, लगभग 80 मीटर का शॉट मिड विकेट और स्क्वेयर लेग के बीच में, 6 रन, बहुत ही अच्छा शॉट। लास्ट ओवर में 7 को स्ट्रगल कर रहे थे मोहम्मद इरफान, बट आते ही 6 रन से वेलकम किया इस ओवर में। देखना है मोहम्मद इरफान कैसा खेलते हैं और 7 कैसी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि 7 अच्छी बॉलिंग करने में माहिर, अच्छा कमबैक करने में माहिर। फिर जैसे मैंने कहा था, अच्छा कमबैक वहां पर 7 का डॉट बॉल, तीसरी गेंद 7 लेकर आएंगे, फिर ऑफ कटर, चौथी गेंद, बहुत अच्छा शॉट, दूसरा छक्का, बहुत ही प्यारा शॉट, ये रॉकेट लॉन्चर था मोहम्मद इरफान के बैट से, 6 रन। अगली गेंद 7 लेकर आएंगे मोहम्मद इरफान रेडी, देखना है क्या करते हैं। फिर खेला गैप में, 1 बाउंस 2 बाउंस, बाउंड्री के पार, बहुत अच्छा ओवर हैदराबाद वॉरियर्स के लिए और एस यूनिट के लिए, महंगा ओवर। इस ओवर में 2 सिक्सेस और 1 बाउंड्री आते हुए मोहम्मद इरफान के बैट से। अभी भी इस ओवर में 1 गेंद बाकी, देखना है 7 क्या करते हैं। इनसाइड मारा, बॉल को 1 रन, 7 जो अपने 11 गेंदे बाहर निकाले, इस गेंद को अंदर लाई, मोहम्मद इरफान समझ नहीं सके, 1 रन मिला, कोई नुकसान नहीं हैदराबाद वॉरियर्स को। अगला ओवर फरमान लेकर आएंगे मोहम्मद इरफान, फेस करेंगे, आते ही पहली गेंद को ब्लॉक होल में रखा और विकेट ले ली, बहुत ही अच्छा बा।
शॉट नवेद। बहुत ही अच्छा बॉल पूरी तरीके से मिस होते हुए जुनेद। बहुत ही प्यारा शॉट जुनेद का 6 रन के लिए। अगली गेंद के साथ नाजिम तैयार, जुनेद बैटिंग के लिए तैयार। पिछली बॉल पे स्क्वायर लेग पे छक्का मारा था, इस बार स्ट्रेट बॉल और ये फिर मिड विकेट पे बहुत ही बढ़िया शॉट 6 रन। तो यहाँ पर 6-6। अगली गेंद के साथ नाजिम तैयार, जुनेद देखते हैं इस बॉल पे। बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर थी बॉल, वाइड बॉल था, एक्स्ट्रा में रन मिल सकता था। जुनेद कुछ और सोच रहे थे। नेक्स्ट गेंद नाजिम रेडी, बिल्कुल वाइट लाइन के ऊपर से बॉल जाती हुई, बुरी तरह मिस हुए जुनेद। तो इसी तरह 13 ओवर के अख्ताम पर स्कोर हो गया 167/4 और हैदराबाद वॉरियर्स। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हुए जुनेद SQ 40 रन्स पर 15 बॉल पर, और अब्दुल रहमान नवीद जो कि आकर्षक बैटिंग आक्रमण बैटिंग करते हुए 39 20 बॉल्स 5 सिक्सेस के साथ। पिछले ओवर में अब्दुल रहमान नवीद ने 4 छक्के लगाए थे, तो अब देखते हैं इस बार। अच्छा अच्छा सिंपल सर ड्राइव किया 1 रन के लिए। अब देखना है जुनेद सिद्दीकी को, जो कि पिछले ओवर में बिल्कुल अच्छी बैटिंग की थी, इस बार भी बिल्कुल स्ट्रेट खेला है और ये ग्राउंड की वजह से 4 रन मिलते हुए। फील्डर बिल्कुल चूक गया वहाँ पर बॉल पकड़ने के, 4 रन। तो जुनेद यहाँ पर 44 पे खेलते हुए मालिक साजिद, बहुत प्यारा बॉल डिफेंस किया 1 रन। अब्दुल रहमान नवीद बैटिंग पर स्ट्रेट शॉट, ब्यूटीफुल शॉट फॉर 4 रन्स, कोई फील्डर उसे रोक नहीं सकता। बिल्कुल स्ट्रेट शॉट खेला बॉलर के ऊपर से 4 रन के लिए। तो इसी के साथ अब्दुल रहमान नवीद 44 पर 22 बॉल्स में 5 छक्के 1 चौके के साथ। अगली गेंद के साथ देखते हैं, इस बार सिंपल सा ड्राइव किया है ऑफ साइड 1 रन के लिए। यहाँ पर दोनों बैट्समैन 45 पर खेल रहे हैं, आकर्षक बैटिंग करते हुए 4 छक्के 4 चौके की मदद से 45 पर 17 बॉलों में
मालिक साजिद तैयार नेक्स्ट गेंद के साथ, देखते हैं इस बार जुनैद क्या करते हैं। मीडियम चेंज ऑफ पेस करते हुए डाला, एक रन मिलेगा, फाइन लेग की तरफ बॉल जाते हुए। तो गाइस हैदराबाद वॉरियर्स 14 ओवर के 14 ओवर्स कंप्लीट होने के बाद 179 फॉर 4 और बेहतरीन बैटिंग करते हुए अब्दुल रहमान नवीद 45 पर और जुनैद 46 पर। तो यहां पर अंदाज़ा है कि तकरीबन 260-270 का स्कोर इजीली बन जाएगा अगर ये दोनों इसी तरह बैटिंग करते रहे। तो गाइस 15 ओवर की पहली गेंद देखते हैं, फरमानुल्ला, जुनैद सामना करेंगे 15th ओवर की फर्स्ट गेंद का। आओ, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर बॉल थी, मिड विकेट पे खेलना चाहते थे उठा के और सीधे कॉट बिहाइंड कीपर के हाथ। बहुत शानदार बैटिंग जुनैद इस चुकी 46 19 बॉल 4 4 4 6। सो गाइस फर्स्ट बॉल विकेट फॉर यूसुफ, 15th ओवर की पहली गेंद पे यूसुफ को विकेट मिली जिससे वो अभी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे। इस बार नए बैट्समैन मोहम्मद जोहेब और हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं जोहेब। देखते हैं 15वीं ओवर की दूसरी गेंद को खेलेंगे यूसुफ की। बिल्कुल अंदर की तरफ गेंद को रखा था, सिंपल सा डिफेंस किया जो कि बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन की पार तक जाते हुए, पर एक ही रन मिलेगा। तो गाइस नेक्स्ट गेंद यूसुफ तैयार, बल्लेबाज अब्दुल रहमान नवीद तैयार जो कि 45 पर है। देखते हैं इस बार स्ट्रेट शॉट खेला और इस पिक नो फील्डर, नो चांस फॉर फील्डर टू स्टॉप दिस बॉल। वेरी वेरी फाइन शॉट, बिल्कुल स्ट्रेट मारा। इसी चौवे के साथ अब्दुल रहमान नवीद 49 पर। तो गाइस अब्दुल रहमान नवीद 49 पे खेल रहे हैं 24 बॉल्स में। इस बॉल पे देखते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव किया बॉलर के बिल्कुल बाजू से, तो नवीद के 50 रन पूरे होते हुए बैट उठाकर अपनी टीम के साथियों को। नेक्स्ट बॉल जोहेब सामना करेंगे यूसुफ का, पहली बॉल पे सिंगल किया था, इस बार देखते हैं बिल्कुल अंदर की तरफ बॉल डालते हुए सिंपल से डिफेंड किया, एक रन मिलेगा। तो इसी तरह 5 बॉल कंप्लीट हो चुके हैं ओवर के, जोहेब को एक रन और मिलेगा। ओवर की आखिरी बॉल फेस करेंगे अब्दुल रहमान नवीद, देखते हैं। अभी तक तो काफ़ी अच्छा ओवर साबित हुआ ये, बिल्कुल लेके खेला स्वीप शॉट लेग स्टंप पर, एक ही रन मिलेगा। तो गाइस 15 ओवर कंप्लीट होने पर 186 फॉर 5 हैदराबाद वॉरियर्स, बहुत ही शानदार स्कोर। गाइस 15 ओवर कंप्लीट होते हुए स्कोर 187 फॉर 5, आखिर के 5 ओवर नवीद के 50 रन होते हुए। अब इस देखते हैं नवीद किस तरह से इनिंग को आगे लेकर जाते हैं। पहली बॉल बिल्कुल यॉकर लंच में बॉल डाली थी, स्ट्रेट खेलना चाहते थे। साजिद तैयार, बिल्कुल फाइन लेग पे शॉट मारा है, बहुत अच्छे फुल टॉस बॉल मिली थी, स्वीप शॉट की तरह खेल दिया, 6 रन मिलेंगे। अगली गेंद के साथ साजिद तैयार, नवीद सामना करेंगे फुल टॉस बॉल, धीमी से खेल दिया, एक रन मिलेगा, पीछे फील्डर मौजूद था बाउंड्री पे, एक ही रन मिलेगा। अगली गेंद के साथ मलिक साजिद तैयार, सामना करेंगे जोहेब 2 बॉल खेल के 2 सिंगल्स खेले हुए अभी तक, फुल टॉस बॉल लेग स्टंप पर मिस किया पूरी तरीके से, वाइट मिलेगा एक एक्स्ट्रास में।
वाइड अगेन, बॉलर काफ़ी तेज़ डालने की कोशिश, बिल्कुल अपनी लाइन मिस करे, दो वाइड। मलिक साजिद तैयार, सामना करेंगे जोहेब इस बार। बिल्कुल शॉर्ट बॉल डाली, जोहेब पूरी तरह छूक चुके। बिल्कुल यॉर्कर लेंथ, विकेट टू विकेट बॉलिंग की इस बार। एक रन मिलेगा जोहेब को। 15 ओवर की लास्ट बॉल, देखते हैं इस बार नवीन क्या करते हैं। फुल टॉस बॉल और बेहतरीन शॉट, 6 रन। इनिंग का सबसे लॉन्गेस्ट सिक्स हो सकता है ये, बेहतरीन शॉट। तो अच्छे खासे ओवर को लास्ट बॉल पर छक्के के साथ ख़त्म किया। इसी के साथ स्कोर हो गया 203 फॉर 16 ओवर्स, 5 विकेट्स। अब्दुल रहमान नवीद 58, जोहेब 3 पर उनका साथ दे रहे हैं। 17th ओवर की पहली गेंद, सामना करेंगे जोहेब। कट करना चाहते थे स्लिप की तरफ, फील्डर के हाथ में गेंद, कोई रन नहीं। फुल टॉस बॉल, फिर से बुरी तरह चूक गए जोहेब। आज जोहेब के बल्ले से कोई रन नहीं आया। यूसुफ तीसरी गेंद के साथ, बुरी तरह चूक गए जोहेब। जोहेब आज बिल्कुल लय में नहीं है, 3 डॉट्स, जो कि अब तक काफ़ी अच्छा ओवर साबित हुआ है यूसुफ का। देखते हैं अभी 3 बॉल बाकी हैं जोहेब के लिए, वो क्या करते हैं। चौथी गेंद के साथ चेंज ऑफ पेस, उठा के मारने की कोशिश, आगे बढ़ के बिल्कुल चूक गए। 4 डॉट बॉल, जोहेब काफ़ी प्रेशर में नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो 4 डॉट बॉल मिल गए यूसुफ को, जो कि पिछले ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए थे। इस बार 4 डॉट बॉल डालकर बेहतरीन बॉलिंग करते हुए जोहेब को परेशान कर रहे हैं। जॉब कर लेंथ में बॉल डाली, बिल्कुल सॉलिड, और जोहेब यहाँ पर बुरी तरह चूके, पाँव पे पैड पे बैट। ओवर की लास्ट बॉल, सामना करेंगे जोहेब। 5 बॉल डॉट हो चुके हैं, 6 बॉल बिल्कुल चूक गए, और जोहेब इस दफ़े बिल्कुल भी अपनी लय में नहीं। तो पूरा ओवर डॉट हुआ, मेड इन ओवर, काफ़ी अच्छा ओवर साबित हुआ यूसुफ के लिए। इसी के साथ 17 ओवर के अख्ताम पर 203 स्कोर, 5 विकेट पर। 18th ओवर की पहली गेंद के साथ सामना करेंगे अब्दुल रहमान नवीद, जो कि लास्ट ओवर मेड इन गया था, इस बार देखते हैं। बिल्कुल ऑफ स्टंप की तरफ खेला फील्डर, बॉल के ऊपर पाँव लगाया, जिसे 1 रन मिलेगा। फरमानुल्लाह 18th ओवर की दूसरी गेंद के साथ सामना करेंगे जोहेब। फुल टॉस बॉल को खेल दिया फाइन लेग की तरफ, बेहतरीन शॉट, 6 रन। तो गाइस अभी देखा लास्ट ओवर जोहेब बिल्कुल चूक चुके थे, पूरा ओवर बीटिंग दिया था। अब इस बार पहली बॉल पे 6 रन लगाए, इसी तरह रन आते रहे तो। ऑफ स्टंप के बाहर थी बॉल, ऑफ पे खेलना चाहते थे, इनसाइड एज लग के कीपर से कैच ड्रॉप, 1 रन मिलेगा। स्कोर हो गया 213। नेक्स्ट गेंद के साथ फरमानुल्लाह रेडी, सामना करेंगे अब्दुल रहमान नवीद, जो कि 65 पे खेल रहे हैं। बिल्कुल चूके, स्ट्रेट बॉल थी, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाजू से निकली, बहुत ही अच्छी बॉलिंग फरमानुल्लाह की इस बार। बॉल के साथ फरमानुल्लाह सामना करेंगे अब्दुल रहमान नवीद, इस बार भी बिल्कुल चुप गया ऑफ स्टंप पे ड्राइव। 18th ओवर की लास्ट गेंद के साथ फरमानुल्लाह फिर से सामना करेंगे अब्दुल रहमान नवीद, देखते हैं इस बार। स्ट्रेट बॉल, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ में बॉल डाली थी, मिड ऑफ की तरफ खेल दिया उठाकर, 1 रन मिलेगा। इसी तरह 18 ओवर कंप्लीट होने पर 212 स्कोर,
पाँच विकेट के नुकसान पर। अब्दुल रहमान नवीद 66 पर खेल रहे हैं, जोहेब 10 रन पर। नाइनटीन ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस बॉल थी पर ऑफ स्टंप पे खेल दिया, सीधा फील्डर के हाथ में, एक रन मिलेगा। यूसुफ 19 ओवर की दूसरी गेंद के साथ आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, पूरी तरह से मिस हुए, मिड ऑन की तरफ गेंद जाते हुए एक रन मिलेगा। 19 ओवर, फर्स्ट टू बॉल टू रन्स, तीसरी गेंद, बेहतरीन शॉट मिड ऑफ पे जो उठा के खेला है नवीद, 6 रन मिलेंगे। इसी के साथ नवीद का स्कोर पहुंचा है 73, 36 बॉल्स। तो अभी 9 बॉल्स रिमेनिंग 20 ओवर के लिए, नवीद को चाहिए 27 रन सेंचुरी के लिए, वो इसके लिए ट्राई करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 19 ओवर की चौथी गेंद के साथ बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, फाइन लेग से जाते हुए 4 रन मिलेंगे। बहुत ही प्यारा शॉट नवीद का, 4 रन। गाइस 4 बॉल में 12 रन आ चुके हैं। पांचवी गेंद के साथ बेहतरीन शॉट मिड ऑन के ऊपर उठा के मारा है, देख सकते हैं बिल्कुल फील्डर के ऊपर से, 6 रन। 19 ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे नवीद फिर से, स्ट्रेट शॉट, ब्यूटीफुल शॉट 6 रन के लिए। इसी के साथ नवीद पहुंचे 89 पर, जो कि सिर्फ 11 रन पीछे अपने शतक से। लास्ट ओवर, और इसी तरह हैदराबाद वॉरियर्स का स्कोर हो गया है 236 इन 19 ओवर्स। नवीद खेल रहे हैं 89 पर, जोहेब 11 पर उनका साथ देते हुए। तो गाइस 19 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 236 फॉर 5, अब्दुल रहमान नवीद 89 पर, जोहेब 11 पर। जोहेब सामना करेंगे पहली गेंद का, बिल्कुल बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से जोहेब सिंगल निकाल कर नवीद को स्ट्राइक पर लाया। नवीद को 11 रन दरकार अपना शतक पूरा करने के लिए। तो साध अपना स्पेल का आखिरी ओवर लेकर दूसरी गेंद के साथ सामना करेंगे अब्दुल रहमान नवीद, जो कि काफ़ी बेहतरीन बैटिंग करते हुए अभी तक 10 छक्कों की मदद से 3 चौके, 39 बॉल्स में 89 पर, सेंचुरी के लिए सिर्फ 11 रन्स रिक्वायर्ड। कोशिश वो रहेगी सेंचुरी होने की। स्कोर 237 फॉर 5, 19.1 ओवर्स। थोड़ा सा फील्डिंग में चेंज, बॉलर जानते हैं इस बार नवीद कोशिश करेंगे कि बड़ा शॉट खेले, और ये बेहतरीन बड़ा शॉट बिल्कुल स्क्वायर लेग के ऊपर से उठाकर 6 रन। इसी के साथ नवीद पहुंचे 95 पर, 40 बॉल्स 11 सिक्सेस 3 फोर्स, 4 गेंद बाकी है अभी। साथ रेडी आखिरी ओवर की तीसरी गेंद के साथ सामना करेंगे अब्दुल रहमान नवीद, देखते हैं इस बार। स्ट्रेट उठा के शॉट मारा है बिल्कुल हवा में गेंद, और हवा के साथ साथ बाउंड्री के बाहर। अब्दुल रहमान नवीद 100 सेंचुरी कंप्लीट करते हुए छक्के से बेहतरीन शॉट के साथ 6 रन कंप्लीट। अब्दुल रहमान नवीद के, जो कि अपने साथियों को बैट दिखाते हुए, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की आज इन्होंने, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग। बिल्कुल बिल्कुल ऑफ स्टंप से फुल टॉस बॉल को बाहर से खेला, मिड ऑफ की तरफ से 4 रन मिलेंगे। तो बिल्कुल अपनी लह में आज नवीद बिल्कुल अपनी लह में देखे जा सकते हैं सेंचुरी कंप्लीट होने के बाद, बिल्कुल टेंशन फ्री उठा के शॉट मारा, 4 रन मिलेंगे।
लास्ट बॉल ला ओवर की लास्ट बॉल, बेहतरीन शॉट उठा के मारा है, काफ़ी देर काफ़ी ऊपर जाते हुए गेंद, और बैट्समैन को फिर से 6 रन मिलेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं 6 रन से सेंचुरी को पूरा किया था, फिर नेक्स्ट गेंद पर 4, नेक्स्ट गेंद पर 6, तो ओवर की आखिरी गेंद, ओवर की आखिरी गेंद काफ़ी बेहतरीन बैटिंग करते हुए नवीद यहाँ पर इस बार फुल टॉस बॉल, और ये उठा के मारा मिड ऑन के ऊपर से सीधा फील्डर के हाथ में, और फील्डर कैच, कोई बात नहीं। तो इसी के साथ नवीद कैच आउट होते हुए, तो कैच आउट होने के साथ साथ स्कोर पहुंचा 920 ओवर्स में 259/5, और अब्दुल रहमान नवीद की बेहतरीन बैटिंग, 111, 43 बॉल्स, 4 फोर्स, 13 सिक्सेस, ह्यूज 13 सिक्सेस, बेहतरीन पार्टनरशिप जोहेब के साथ, जोहेब 12 रन पर 14 गेंदों पे। तो इसी के साथ 259/5, 20 ओवर्स।